हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो गूगल शीट को लेकर के है और गूगल शीट में क्या खास है आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक डेटा हमारे पास है और इस डेटा के अंदर आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर जो प्राइस लिखी हुई है ये डॉलर में लिखी हुई है, लेकिन हम तो हैं इंडिया के तो हमें यहाँ पे डॉलर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें रुपीज का सिंबल चाहिए। अब आप इसको जब लाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक डॉलर साइन मिल जाता है, ये देखिए यहाँ पर। तो फॉर्मेट करेंसी पे जब जाते हैं तो यहाँ तो केवल डॉलर ही मिलता है, ठीक है, दूसरा कोई साइन तो मिलता नहीं है। तो ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जितने भी हिस्से को डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं उन हिस्सों को आप सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे मैं इतना हिस्सा कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैंने इतने हिस्से को सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, कीबोर्ड से, ध्यान से सुनिएगा, अब आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस कर लेना है और इसे छोड़ना नहीं है, कंट्रोल प्रेस किए रहिए और ये टोटल वाला हिस्सा भी सेलेक्ट कर लीजिए। यही दोनों हिस्से हमें सेलेक्ट करने थे, ये दोनों हिस्से हमने सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको कहाँ जाना है, फॉर्मेट टैब पे जाना है, फिर नीचे यहाँ पे देखिए नंबर आपको दिखाई पड़ता है तो यहाँ पर ड्रैग करते हुए इधर की साइड आ जाइएगा, यानी इसके राइट साइड आ जाइएगा, जो एरो बनी हुई है उससे राइट साइड आपको आ जाना है, नीचे आइए। आपको यहाँ पे करेंसी नहीं करना है, नीचे आना है और यहाँ पर आपको मिलता है इंडियन रुपीज, तो बस इंडियन रुपीज पे क्लिक कर दीजिए और आपका ये पूरा फॉर्मेट यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों ही किस में, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी कि इंडियन रुपीज में कैसे कन्वर्ट करा जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।